ஹாய் கைஸ் மெசாந்தமா அப்டேக்கிறேட்டிங்கள் சேனல் ஸ்டேடியம் அப்போ தங்க பர்ஃபெக்ட் எம் இவில் 11th ஃபார் டிசம்பர் 2019 தென் இட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அண்ட் லெட்ஸ் மீட் த வீடியோ. तो अगर आपको एक अच्छा सा थीम चाहिए, शायद आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, जिसमें कि आपको आइकन पैक काफ़ी मिनिमल मिलने वाला है, गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में. तो देखिए, जैसे कि आपको टूल का फोल्डर में भी काफ़ी मिनिमल आइकन्स आपको मिल रहा है, और जो कि वॉलपेपर ये आपको 1+7 Pro जैसा मिलेगा. और अगर आपका स्टेटस बार देखिए तो वो भी आपको सिमिलर कुछ वैसे ही वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लू टॉगल्स, और आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जो बैटरी आइकन है, यह सभी आपको मतलब कि मिलने वाला है 1+ या स्टॉक एंड्रॉइड जैसा, जो कि काफ़ी आपको ऑब्वियसली लुक अच्छा लगने वाला है. इसका सेटिंग के UI बहुत ही न्यू, और आपको न्यू पूरे लुक मिलेगा इसका टॉगल्स जो UI, और इसका बाकी कुछ जैसे कि अगर आप इसका सिस्टम अपडेट में जाएगा तो इसमें आपको कुछ न्यू नहीं मिल रहा, पर जो इसका बैक जेस्चर है वो आपको न्यू मिल रहा है कलर के साथ. और ग्रीन कलर ऑब्वियसली अच्छा दिख रहा है व्हाइट में, जितना भी टॉगल्स है ग्रीन, पर्पल और आपका और येल्लो और ऑरेंज में ही दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है ये थीम. और इसमें जो मतलब कस्टमाइजेशन किया गया वो भी काफ़ी अच्छा है. और अगर आप उसका देखिएगा जाके मतलब स्पेशल फीचर या एडिशनल सेटिंग में, तो उसका भी सेपरेशन आपको न्यू टाइप का मिल रहा है. और अगर आप उसका डायलर देखिए तो डायलर इसमें भी चेंजेस नहीं है, डायलर आपका स्टॉक एंड्रॉइड जैसा मिल रहा है. इसमें भी अगर आप देखिएगा तो मैसेजिंग ऐप पर भी स्टॉक एंड्रॉइड का ही मतलब लुक मिल रहा है. तो यही है जो कि इतने चेंजेस होता है कुछ कुछ थीम में, जो कि एम आई 11 को फुल्ली सपोर्टेड कर रहा है, जो कि अच्छा भी लगता है. और अगर आप उसका जाइए कैलकुलेटर, म्यूज़िक या सिक्योरिटी या गैलरी, ये सब में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है. तो अगर होता तो ऑब्वियसली अच्छा रहता, बट अभी तक इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ मुझे जितना पता है, तो इसीलिए आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है. और म्यूज़िक में भी अभी तक कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहा है कोई भी ज़्यादा थीम में. अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ कीजिएगा तो ये आपको चेंजेस देगा, क्योंकि वो आपको फोर्सफुली चेंज करता है फ़ोन को पूरा, मतलब आपके UI को फोर्सफुली चेंज करने मतलब चेंज कर देता है. और अगर आप उसका देखिएगा रिसेंट्स में, तो रिसेंट में भी कुछ न्यू आपको नहीं दिख रहा है. जो भी है आपका एम आई 11 जैसे ही, बस खाली इसका स्टेटस बार, बैटरी आइकन और जो कि स्टार्ट से ये सब आपको अच्छा दिख रहा है. और अगर आप उसका देखिए लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में कुछ ऐसा नया नहीं है, बस खाली आपको चार्जिंग एनिमेशन दिख जाएगा, जो कि आपका एम आई 10, 11 में डिफॉल्ट आपको दिखता है. और अगर आप उसका देखें तो जो कि मुझे अच्छा लगता है इसका बैटरी का जो जितना भी स्टाइल है, वाईफाई और आपका इसका सिग्नल स्ट्रेंथ, ये सब अच्छा लगा. तो आपको कैसा लगा ये आप बताइए कमेंट करके नीचे. और अगर आप सिंपली इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको थीम ऐप पे सर्च करना होगा प्रो एक्स 4.0 V11. जैसे ही आप सर्च कीजिए ये आपको थीम मिल जाएगा प्रो एक्स 4.0 V11. इसको सिंपली आपको थीम ऐप पे सर्च करना है, सर्च करने के बाद डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद यूज़ करना है, और फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको. और इसको इस वीडियो को शेयर करना आपके एम आई 11 जो भी फ्रेंड्स यूज़ कर रहा है उसके लिए, उसके साथ, कि आपको मतलब उसको भी ऐसा थीम सजेशन हो जाए. और उसके बाद उस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वेट कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, जल्दी कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब करने, बेल आइकन टाइप कीजिए ताकि हमेशा नोटिफाइड रहे मेरे नए वीडियोस के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम. मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.